हे गेमर्स, तो कैसे हो मेरे भाइयों, क्या हाल है सबके। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो गाइज, आज की सीरीज में आपको 2.1 के अपडेट में जो मोड आने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट अपडेट जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, पजल सॉल्व करने को मिलेगा, फैरो बॉस से फाइट करने को मिलेगा। मिरर वर्ल्ड में जैसे ऊपर जाते थे वैसे आप लोग टेम्पल में ऊपर जा पाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हों, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। उसके साथ ही जो रिलीज डेट है पबजी मोबाइल के अंदर अपडेट आने वाला है, BGMI के अंदर अपडेट कब आने वाला है, ऑफिशियल कंफर्म रिलीज डेट कितनी तारीख को आने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। डेट आ चुकी है, मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जरूर देखना वीडियो को एंड तक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो वेटिंग लॉबी, जो अपना स्पॉन एलर्ट होता है मैच में एंटर करने के बाद, उसमें आपको कुछ इस तरह की लोकेशन देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि आपको पता है इससे पहले जो एंसन सीक्रेट आया था उसमें भी आप लोग जैसे स्पॉन एलर्ट पे आते थे तो यहाँ पे आपको एक अलग तरह का फैरो देखने को मिलता था निकलता हुआ, वैसे ही इस बार भी होने वाला है कि धूल उड़ने लगेगी और इसके बाद यहाँ पे फैरो बाहर आएगा, तभी आप लोग देखिए काफ़ी गजब का लगता है। मैंने पूरा मोड खेला है भाई, मज़ा आ गया, बहुत ही बड़ा मोड है। काफ़ी महीनों बाद कोई अच्छा सा मोड आने वाला है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्पॉन आइलैंड पे कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक और एनिमेशन दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोगों का प्लेन आएगा तो यहाँ पे आपके पीछे फैरो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग एक हाथ आता हुआ देख सकते हैं, तो इस तरह से एक पीछे से हाथ आएगा। उसके बाद पीछे देखो भाई लोग, तो पीछे कुछ इस तरह से फैरो इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन जो कि बहुत ही गजब का लग रहा है। और इसको यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से एक बार और दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। तो ये तो बेस्ट व्यू था, इसके बाद मैं आपको बैक करके दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फैरो पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है, तो भाई कितना गजब का लग रहा है ये जो एनिमेशन है, ये जो बनाया गया है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब मैं आपको मैप में जितनी भी लोकेशन दिख रहे हैं उन सभी लोकेशन पर जाके सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं एक सर्कल, सबसे पहले वहाँ पर चलेंगे, उसके बाद जहाँ पे एरो दिखा रहा है उस लोकेशन पे जाएंगे और वो लोकेशन आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड जहां पे एरो दिखा रहा है उस लोकेशन पे जाएंगे, उसके बाद थर्ड टेंपल, तो टेंपल भी हम लोग जाएंगे। टेंपल पे कैसे आप लोग जा सकते हो, वहां पे फैरो बॉस से कैसे फाइट कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहां पे जहां पे सर्कल बना हुआ था यहां पे अगर आप जंप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लूट मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहां पे पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ सप्लाइज, एंड उसके साथ ही यहां पे आपको मिल जाएगा स्क्रैप चार्म्स। तो इसका आप लोग कैसे यूज़ कर पाओगे, स्क्रैप चार्म्स क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये एक बहुत ही गजब की चीज़ है जो आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगी, इससे आप लोग एक बार रिकॉल हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रैप चार्म्स कुछ इस तरह के होंगे और ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस लोकेशन पे। एंड इसको यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता दूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग चल रही है 18 मिनट 55 सेकेंड, और ये टाइमिंग 18 मिनट थी कि ये आपके बैग में रहेगा उसकी टाइमिंग है, 18 मिनट बाद ये हट जाएगा, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। तो इसका यूज बहुत सिंपल है, अगर आपका टीममेट आपको रिकॉल नहीं कर रहा है तो आप लोग खुद से रिकॉल हो सकते हो, और रिकॉल टावर वाली जो लाइफ है उसको आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो खुद से, अगर आपके बैकपैक में है, आपका टीममेट रिकॉल करे या फिर ना करे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लोकेशन पे आप लोग इसको पिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहां पे देख सकते हो रिकॉल टावर आपको फिर से देखने को मिलेंगे पूरे मैप में, जहां जहां पे भी रिकॉल टावर थे उन लोकेशन पे आपको फिर से नेक्स्ट अपडेट में रिकॉल टावर देखने को मिलेंगे। एंड अब मैं आपको पहली लोकेशन पे लेके चलता हूं जहां पे एरो दिखा रहा है, तो इस तरह की लोकेशन आपको पूरे मैप में दिख जाएंगी। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आएंगे तो आपको एक पंछी या फिर जो भी हो बोलो या आपको उड़ता हुआ दिख जाएगा, इसको जरूर मार देना दूर से ही, नहीं तो बहुत डैमेज देता है और इसको लूट भी आप लोग लूट सकते हो। तो इसको मारना बहुत ईजी है, इसकी कोई बहुत ज्यादा हेल्थ नहीं होती है, ये इजीली मर जाता है, इसको मार देना। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोग आगे जाके आपको मम्मी वाले या फिर जो भी बोले यहाँ पे मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं, उनको आपको मारना होगा और अंदर जाके पजल को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपको पूरे मैप में इस तरह के लोकेशंस दिख जाएंगे और वहाँ पे पजल होंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी वॉरियर्स हैं ये, और इनको आपको मारना होगा नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इनको मार देना, बहुत ही ईजिली मर जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ईजिली ये दोनों के दोनों मर गए।
और इन लोकेशन पे आपको एंसेंट ड्रिंक मिल जाएगी, जिससे आप लोग का जो बूस्ट है वो फुल हो सकता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे आके पिक जरूर कर लेना, आपका जो बूस्टर है आपको ज़्यादा नहीं उठाने पड़ेंगे, एक ही आप लोग यहाँ पे ड्रिंक लोगे। आप लोग देख सकते हैं जो बूस्टर बार होता है फुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पजल सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपको चार कीड़े या फिर जो बोलो वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने मार दिया, उसके बाद सेकेंड वाला भी मार दिया, दो मैंने कीड़े मार दिए हैं। उसके बाद ये दो विजिबल थे, दो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़े से ब्लर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड वाला मार दिया, उसके बाद फोर्थ वाला लेफ्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रहा है। तो ये चार आप लोग जैसे ही मारोगे, दो ब्लर वाले और दो विजिबल वाले, तुरंत आपकी ये क्रेट नीचे आ जाएगी, इससे आपको लूट मिल जाएगी। तो इस लोकेशन पे क्रेट को कैसे नीचे लाना है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड लोकेशन पे चलते हैं, जो कि आपको पूरे मैप में मिल जाती है। तो उस लोकेशन पे आपको पजल देखने को मिलेगा, उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक यहाँ पे पंछी या फिर जो भी भाई इसका नाम नहीं पता मुझे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग मार दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं कैसे ये डैमेज देता है और बहुत ही इजीली मर जाता है। मतलब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे मारोगे ये इजीली मर जाएगा। इसके बाद आप लोग ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वही मम्मी जो थे वो मिल जाएंगे, तो उनको भी मार दीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे पजल को सॉल्व कर लेना। तो पहले मार देना, उसके बाद ही पजल सॉल्व करना, नहीं तो ये बीच बीच में आते रहते हैं मम्मी वॉरियर और ये आपको डैमेज देते रहते हैं और ये मार भी देते हैं। तो भाई इनको मार ही देना, बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं मम्मी वॉरियर, कुछ ज़्यादा ही डैमेज देते हैं उस पंछी से। तो इसको जरूर मार देना और इससे आप लोग लेवल 3 की लूट भी ले पाओगे। तो इस पजल को सॉल्व करना बहुत ईजी है। राइट में एक पुश करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है और लेफ्ट में भी आपको एक गियर मिल जाता है। तो राइट वाला जब आप लोग यहाँ पे पुश करोगे तो ऊपर के दो ईंटें घूमेंगे, लेफ्ट वाला करोगे तो नीचे के दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट वाला टर्न करते रहना है और नीचे वाले से मिला लेना है बीच वाला, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बीच वाला और नीचे वाला सेम मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको लेफ्ट वाले को ही टर्न करते रहना है, जैसा ऊपर वाला हो वैसे ही आपको नीचे वाले दोनों ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं टर्न किए जा रहा हूँ लेफ्ट वाले पे ही क्लिक कर करके, और यहाँ पे आप लोग देखिए ये पजल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको इस पजल को सॉल्व करना है। अगर आपके नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे करके एक बार देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। और ये वाला पजल सॉल्व करना बहुत ईजी, और फर्स्ट वाला भी आप लोग ने देखा था बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया था। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं टेम्पल पे, जो कि लास्ट है। तो यहाँ पे टेम्पल आपको दो लोकेशन पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे एरो दिखा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं दोनों लोकेशन पे आपको टेम्पल देखने को मिलेंगे। और टेम्पल पे आप लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, टेम्पल को बाहर आने तक आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे यहाँ पे ये हट रहा है एंड इसके बाद टेंपल बाहर आएगा। तो आप लोग डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, आपको यहाँ पे रुकना होगा, वेट करना होगा, या फिर आप लोग मैप पे किसी भी लोकेशन से आप लोग टेंपल पे जा सकते हो। अभी कैसे आप लोग जा पाओगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब तक ये पूरा निकल के बाहर नहीं आ जाएगा तब तक आप लोग टेंपल पे जा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, आपको लूट के आना है, उसके बाद वेट करना है टेंपल को बाहर आने का, टेंपल बाहर आ जाए उसके बाद आप लोग इसके ऊपर जा पाओगे, तब आप लोग इसके ऊपर जाइएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या ही लग रहा है भाई, एक टेंपल पूरा उठा रखा है। एंड यहाँ पे वाला कैरेक्टर आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको पूरा दिखाया है भाई कंप्लीट व्यू। तो भाई ये आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी इसको रिकॉर्ड करने के लिए, कई बार रिकॉर्ड करने के बाद कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है। तो ये पूरे मैप में ऐसे ही चलता रहेगा और इस तरह के आपको दो टेंपल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो चार लाइन आती हुई दिख रही है, इन लाइन से आप लोग ऊपर जा सकते हो, जैसे आप लोग मिरर वर्ल्ड में जाते थे वैसे ही। लेकिन टेम्पल पे आप लोग तभी जा सकते हो जब ये लाइन नीचे की तरफ आ रही हो और पूरी अटैच हो टेम्पल से, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी देर बाद हट जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं इस लोकेशन पे आ तो गया था लेकिन थोड़ा सा लेट आया, तो जो लाइन है वो टेम्पल से अटैच नहीं थी, टेम्पल आगे जा चुका था, वो कैरेक्टर आगे बढ़ चुका था। इसके बाद वो सेकेंड लोकेशन पे फिर से एक्टिवेट हुआ था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आके और इस लोकेशन पे आ गया और जैसे ही मैं आया ऊपर चला गया, जैसे मिरर वर्ल्ड में जाता था। तो वैसे ही सेम यहाँ पे आपको जल्दी आना होगा थोड़ा सा, और जैसे यहाँ पे एक्टिवेट हो आप लोग आके ऊपर चले जाना। तो जैसे मिरर वर्ल्ड में ऊपर जाने के बाद न्यू तरह का मैप आपको दिखता था, वैसे इसमें भी होगा। ऊपर जाने के बाद न्यू मैप में आप लोग होंगे और यहाँ पे एनिमीज भी होंगे, उसको भी आप लोग मारोगे तो किल होंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे एंशिएंट सीक्रेट में पुराने वाले में आपको सांप दिखते थे, वैसे इसमें भी होंगे इस लोकेशन पे। और यहाँ पे आप लोग मारोगे इनको तो आपको लूट मिल जाएगी, तो और बहुत ही इजिली मर जाते हैं, तो आप लोग उनको मार दीजिएगा। और यहाँ पे फैरो बॉस होगा, तो अगर आपको उसको मारना है तो आप
आपके पास एमओ होनी चाहिए, तो एमओ यहाँ से सारी की सारी पिक कर लेना, बहुत ज़्यादा एमओ लगेंगी। और सोलो मारने की कोशिश मत करना, डुओ या फिर स्क्वाड में ही मारने जाना बॉस को, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा एमओ लेता है और उसकी हेल्थ भी बहुत होती है। तो इस लोकेशन पर आप लोग जब आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको मम्मी वॉरियर मिल जाएंगे, इनको मार देना। और यहाँ पर एक क्रेट है, उसको भी आप लोग लूट सकते हो, उसमें आपको थोड़ी बहुत लूट मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इस क्रेट से लूट मिल जाएगी। लेवल 3 की और M4 और नेड, ये सब चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएंगी, तो आप लोग ले लीजिएगा। तो सेंटर में एक और लोकेशन है और इसके अगल बगल ईस्ट गार्ड हाउस, वेस्ट गार्ड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो सेंटर में चलते हैं और जो फैरो बॉस है उससे फाइट करने के लिए आपको पजल को सॉल्व करना होगा, और पजल काफ़ी बड़ा है, तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे फाइट कर सकते हो बॉस से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस लोकेशन पर आपको आना है, उसके बाद जंप करके अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे आपको पजल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा राइट में, राइट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लोकेशन, जहाँ पे आपको यहाँ पे इस पर खड़े होना होगा। जैसे आप लोग इस पर खड़े हो जाएंगे तो ये एक्टिवेट होगा, तो पहला यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद सेकंड लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे भी आपको जाना होगा, तो सामने ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेकंड लोकेशन, यहाँ पे आके इसके ऊपर खड़े हो जाओगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लोकेशन पे चलते हैं, ऐसे आपको चार लोकेशन मिल जाएंगी। तो थर्ड लोकेशन है लेफ्ट में, यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मैं आया हूँ वैसे ही आएगा, एंड यहाँ पे ये भी एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद फोर्थ लोकेशन पे चलते हैं और ये पजल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ लोकेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो चारों प्लेयर आप लोग इजीली इसको एक्टिवेट करके आप लोग जा सकते हो, और या फिर एक एक करके भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इसके ऊपर खड़े होने होगा दोबारा से, और जैसे आप लोग दोबारा से इसके ऊपर खड़े होंगे तो आप लोग ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है, एंड ऊपर जाने के बाद जो सामने गेट था वो नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपना जो सामने एक और गेट है वो भी नीचे हो रहा है, और आपको सीधे सामने चले जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद एक और लोकेशन मिलेगी, उसके ऊपर आपको खड़े होना है, और फिर आप लोग ऊपर चले जाएंगे। वहां पे आपको बॉस मिलेगा, उससे आपको फाइट करनी होगी, और बॉस से भी फाइट करने के लिए आपको उसको भी एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और इसके ऊपर आने के बाद आपको इसके ऊपर खड़े हो जाना है, और जैसे आप लोग खड़े होंगे तो धीरे धीरे करके ये भी ऊपर जाने लगेगा, और यहीं पे आपको वो बॉस मिलेगा, फैरो बॉस। तो आप लोग देख सकते हो सामने एक तरह का भाई ये जो भी बोलते हैं रखा हुआ है, और इसको एक्टिवेट करने कैसे है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे, एंड यही एक्टिवेट होकर फैरो बॉस बनेगी और उससे आपकी फाइट होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ इस तरह इसका कंप्लीट लुक है, और सामने आपको एक लोकेशन दिख रही है, इस पर आपको खड़े होना होगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ। तो जैसे आप लोग इस पर खड़े होंगे तुरंत यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हैं एक्टिवेट हो जाता है, और सामने फैरो बॉस आ जाता है, जैसे कि आप लोग देखिए। तो ये फैरो बॉस है, जिससे आपको फाइट करने पर बहुत ही गजब की लूट मिल जाएगी, और इसको मारना इतना आसान नहीं है। इसको मारने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कैसे आप लोग इसको मार सकते हो। तो इसमें आप लोग कहीं पे भी मारो, ये डैमेज नहीं होगा। इसको आपको उसी लोकेशन पे मारना होगा जहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा चमकता हुआ आपको दिखे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसके हाथ के पास, हार्ट के पास, या फिर अलग अलग लोकेशन पे आपको कुछ चमकता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे हाथ है वहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है, तो वहाँ पे मैं जैसे ही मारूंगा वहाँ पे रेड मार्क आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं वहाँ हाथ पे मार रहा हूँ तो रेड मार्क आ रहा है। उस पर आप लोग मारेंगे तो आपको लूट भी मिलेगी और ये डैमेज भी होगा। तो आपको सिर्फ उसी लोकेशन पर मारना है जहाँ पर ये चमक रहा हो, और आपको इससे बचने के लिए कंटिन्यू मूवमेंट करते रहना होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए इसके हार्ट पे चमक रहा है, तो उस पर मैंने जैसे ही मारा यहाँ पे लूट भी आ गया और ये डैमेज भी हो गया। तो आपको उसी लोकेशन पे मारना होगा इस पूरे कैरेक्टर पे जहाँ पे चमक रहा हो, तभी ये डैमेज होगा और आपकी जो एमओ है वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसकी आइज भी रेड हो रही है, और यहाँ पे ये डैमेज भी पूरी तरह से हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए मेरी हेल्थ, मेरे पास फर्स्ट एड नहीं थी, एमओ नहीं थी, ना ही टीममेट था, इसलिए मैं मर गया, नहीं तो इसको मार देता बहुत ईजिली। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मरने वाला होगा तो इसके सीने के बीच में आपको यहाँ पे एक चमकता हुआ दिखेगा, उस पर आपको मारना होगा। जैसे आप लोग उस पर मार दोगे ये मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जैसे ही मरने वाला होता है भाई बहुत तेज से हाथ पटकता है और तुरंत मैं मर जाता हूँ। यहाँ पे मरने के बाद मैं इरेंगल में दोबारा से जंप कर जाता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा से मैं इरेंगल में जंप कर गया सर्कल के अंदर, और मैं सर्कल के बाहर था। तो इस वीडियो में तो फैरो बॉस को मैं नहीं मार पाया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मैच था, मुझे इतना नहीं पता था कैसे वहां पे जाके मारना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसको बहुत ही कम HP छोड़ा था, मरने ही वाला था। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग फैरो बॉस को मार सकते हो, और फैरो बॉस को मारने के बाद आपको क्या क्या लूट मिलेगी
वो भी आपको दिखाऊंगा बहुत ही जल्दी। तो आपको ये अपडेट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे अच्छा आपको इस अपडेट में क्या लगा ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको ओल्ड वाला अपडेट अपग्रेड करके यहाँ पे दिया जा रहा है तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना। आपको सबसे अच्छा जो भी लगा हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं आपको रिलीज डेट बता देता हूँ कि ऑफिशियल रिलीज डेट क्या है, आपको अपडेट पबजी मोबाइल और बिजमाई के अंदर कब तक देखने को मिलेगा, कब आप लोग ये वाला मोड खेल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको रिलीज डेट दिखा देता हूँ ऑफिशियली, जो कि इंस्टाग्राम पे पबजी मोबाइल की तरफ से पोस्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल पोस्ट जिसमें एंसन सीक्रेट इज बैक एंड विद अ ब्रांड न्यू वर्जन लिखा हुआ है। उसके बाद वर्जन 2.10 इज अराइविंग जुलाई 13। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत दिनों पहले ही बता दिया था कि 13 से लेकर 18 तक अपडेट आ जाएगा, तो यहाँ पे वही रिलीज डेट है कि 13 से लेकर आपको 15 तक अपडेट देखने को मिलेगा। 13 को आएगा पबजी मोबाइल के अंदर, उसके दो दिन बाद बिजमाई के अंदर अपडेट आएगा 15 तारीख को। तो 13 तारीख को आने वाला है पबजी मोबाइल के अंदर 2.1 का अपडेट और 15 तारीख को आने वाला है बिजमाई के अंदर। और ये ऑफिशियल है जैसे कि आप लोग इस पोस्ट में देख सकते हैं। और आप लोग चेक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ओपन करके पबजी मोबाइल का ऑफिशियल पेज ओपन करिए, वहां पे आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी और आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे अच्छा जो भी लगाओ आप लोग कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मुझे पता है आप सबको पसंद आई होगी, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो, तभी आपके पास आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आपसे कोई भी अपडेट या वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, क्योंकि मारो यार क्या जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मार दो है। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर विमल थूको या रजनीकंधा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।